इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से सुनहरी मौके और सुनहरी रिश्ते सिर्फ अपने ख़दशात की बिना पर गंवा देता है कि ये किया तो ऐसा ना हो जाए, ये कहा तो वैसा ना हो जाए। जैसे वो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने कहा था कि वो चरागे जहाँ कभी जिसकी लो न आंधियों से भी कम हुई, तेरी बेवफाई के वसवसे उसे चुपके चुपके भुजा गए। इसी तरह से मैं भी सुबह से इसी खदशे में मुबतला था कि बारिश का मौसम है, बड़े डार्क डार्क किस्म के क्लाउड्स हैं, ऐसा ना हो कि बाहर निकलूं तो बारिश शुरू हो जाए। लेकिन फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब का यही शेर मेरे जहन में आया और सोचा कि हम कोई मोम की गुड़िया तो है नहीं कि बारिश होगी तो पिघल जाएंगे, इसलिए बारिश के खदशे की बिना पर इस खूबसूरत दिन का चिराग बुझाना कोई अक्लमंदी ना होगी। तो यही सोच हमें ले आई लंदन के इस लॉयड पार्क में। लंदन के पार्क्स की खूबसूरती तो दुनिया जानती है, ये लॉयड पार्क भी बड़ा वसी तरीन पार्क है और बड़े खूबसूरत स्पॉट्स हैं इसमें वॉकिंग के लिए। स्पेशली इस पार्क का मज़ा तो समर में ही आता है, जब चमकदार धूप के नीचे ये रंग बिरंगे फूल और सबज़ सबज़ घास जो है वो चमकती है और आप धूप का मज़ा लेते हैं। लेकिन विंटर का भी अपना ही एक लुत्फ है। सो लेट्स एक्सप्लोर लॉयड पार्क और विलियम मॉरिस म्यूजियम। जी, इस वक्त मेरे पीछे आपको विलियम मॉरिस म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। विलियम मॉरिस साहब जो थे ये विक्टोरियन जो बरतानिया था, विक्टोरियन एज का जो बरतानिया था उसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि आर्ट और क्राफ्ट के डिज़ाइनर थे ये, बड़े इम्प्रेसिव किस्म के। और इनको अर्ली जो बरतानिया है विक्टोरियन एज का, उसका अर्ली सोशलिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक सामाजिक कारकुन थे। और इनकी कंपेन जो थी इंसानियत के लिए और मुआशरे के लिए, उसके अलावा इनका जो काम था आर्ट और क्राफ्ट्समैन में, वो इतना इम्प्रेसिव था कि इनकी यादगार में ये म्यूज़ियम बनाया गया है लंदन में। और ये पूरा म्यूज़ियम उनकी लाइफ और उनके काम को डिवोट किया गया है। इसको विज़िट करते हैं, उनके चंद फन पारे देखेंगे और ज़िंदगी के कुछ ग्लिम्सेस भी नज़र आएंगे इस म्यूज़ियम में। सो लेट्स एक्सप्लोर। ये हैं वो विलियम मॉरिस साहब जिनके लिए ये पूरी महफिल सजाई गई है। ये विलियम मॉरिस साहब के हाथ के कुछ फन पारे हैं। मैं सोच रहा था कि यही कारपेट्स या कालीन अगर पाकिस्तान में होते तो शायद हमारे पठान भाई इनको 400-400 रुपए में बेच के चले जाते। यहाँ इनको अनमोल कहा जाता है। ये यहाँ पे एक मैप लगाया गया है जिस पे अगर आप ड्रैग करें तो ये आपको वो एरिया दिखाता है विजुअली जहाँ विलियम मॉरिस साहब रहे थे यहाँ इस टाउन में। विलियम मॉरिस साहब की ज़िंदगी पे बेस ये म्यूज़ियम देख के ये एहसास होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारते हैं, मुफीद मकसद के तहत, चाहे वो किसी भी शोबे में हो लेकिन इंसानियत के लिए मुफीद हो, तो इंसानियत उन लोगों को जाने के बाद भी याद ज़रूर रखती है। इस हवाले से पहले अपनी एक वीडियो में मैं वासफ अली वासफ साहब की एक खूबसूरत बात शेयर कर चुका हूं आप लोगों से। वो फरमाते हैं कि
इंसान की कब्र पर जलने वाले जो दिए होते हैं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ही जलाता है। यानी जिस इंसान की कब्र पर आपको दिए जलते हुए नज़र आएं, जिसको इंसान उसके जाने के बाद याद करते हुए नज़र आएं, तो समझ लीजिए कि उस इंसान का अपनी ज़िंदगी में बर्ताव, दूसरों के साथ मामलात या उसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ ऐसा मुफीद और नेक ज़रूर रहा है कि उसके जाने के बाद भी इंसान उसको याद करते हैं। सिर्फ मकसद होना ज़रूरी नहीं है, नेक मकसद या मुफीद मकसद होना भी ज़रूरी है। इस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल सबूत है वो आपको लाहौर में नज़र आता है, जहां मुग़ल बादशाहों और मलका के जो मकबरे या मज़ारात हैं वो लुटे पुटे खंडरात का समां दिखाते हैं। वहां उदासी का राज नज़र आता है और कुछ ही फासले पर एक फ़कीर दाता अली हजवेरी का मकबरा या मज़ार भी है, जहां हर वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी नज़र आती है। दुआएं मांगी जा रही हैं, कुरान खानी हो रही है, गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा है और किसी न किसी हवाले से उस बुज़ुर्ग हस्ती को याद किया जा रहा है। इससे ये बात वाज़ह होती है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बादशाही या दौलत हासिल करना या फतह हासिल करना ही नहीं होना चाहिए। मुफीद मकसद होना और इंसानियत के लिए मुफीद और नेक मकसद होना ज़रूरी है। दुआ करनी चाहिए कि हमारा बर्ताव, हमारे मामलात भी ज़िंदगी में ऐसे रहें और खुदा हमें भी ज़िंदगी के लिए कोई नेक मकसद अता फरमाए।